1978 में रशिया यानी उस वक्त का सोवियत यूनियन मॉस्को सिटी की प्रिपरेशन कर रहा था और उस पीरियड में इंडिया रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और रशिया को उस वक्त सबसे ज्यादा व्हाइट इनामल पेंट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इंडिया के लोकल पेंट मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बर्जर पेंट इज वन ऑफ देम। कुलदीप सिंह डिंगरा जो उस टाइम बर्जर पेंट के ओनर थे उन्होंने रशिया से डीलिंग की एंड रशिया लव्स हिज वर्क एथिक। टेंशन नहीं लेगा अपू ने। और विद इन फ्यू इयर्स उनके एक्सपोर्ट 50 से डायरेक्ट 20,000 टन हो गए। बट रशिया यहाँ तक नहीं रुका, उन्होंने इनामल पेंट के साथ साथ डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, शू पॉलिश जैसे मटेरियल को एक्सपोर्ट करने की ऑर्डर दी। बट बर्जर पेंट इस सेगमेंट की प्रोडक्शन नहीं करता था, इसलिए उन्होंने बाकी इंडियन सप्लायर से ऑर्डर आउटसोर्सिंग करनी शुरू की जैसे गोदरेज, ऑस्वाल, टी सीरीज एक्सेट्रा और मिडलमैन का रोल प्ले किया। कुलदीप सिंह और बर्जर पेंट की क्वालिटी और पंक्चुअलिटी की वजह से एक टाइम पे उनका प्रॉफिट एशियन पेंट से भी ज्यादा था और इस तरह